हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे मैं आपकी ईवीएस टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर थ्री आर फैमिली स्टूडेंट्स चैप्टर थ्री आर फैमिली का ये हमारा लेक्चर नंबर वन है लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर टू की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर टू के लेफ्ट क्वेश्चंस को होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे so, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे न्यू चैप्टर चैप्टर थ्री आवर फैमिली से जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 19 पर गिवन है So, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पर, I hope, आप सभी को ही होगी चैप्टर थ्री अव फैमिली चलिए स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बट स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर की वार्म अप एक्टिविटी च ऑफ़ द अबव एक्टिविटीज कैन यू डू ऑन एराउंड हु टू डू दिस एक्टिविटीज सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दी गई हैं डिफरेंट काइंड ऑफ काम दिए गए हैं कार्य दिए गए हैं जिसमें कि हैं रीडिंग वियरिंग क्लोथ्स मेकिंग बैड एंड कॉम्बिंग हेयर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं सो so, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ को आप खुद कर सकते हैं और जो खुद करते हैं तो आपको वो उन एक्टिविटीज़ को करना किसने सिखाया आपके मदर ने सिखाया फादर ने सिखाया ग्रैंडफादर ने सिखाया ग्रैंड मदर ने, ने सिखाया वो आप वो भी आपको यहाँ पर बताना है सो so, स्टूडेंट्स आप इस एक्टिविटी को होमवर्क से कम्प्लीट करके आएंगे चलिए तो आप शुरू करते हैं चैप्टर थ्री अवर फैमिली जिसका फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स व्हाट इज अ फैमिली अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हमारा परिवार लेकिन परिवार होता क्या है व्हाट इज अ फैमिली फैमिली क्या है पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली सो जो पेरेंट्स होते हैं जो माता-पिता होते हैं वो और उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं एक परिवार बनाते हैं एक फैमिली बनाते हैं सो so स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फैमिली का मीनिंग क्या समझा परिवार फैमिली मीन्स परिवार सो so, माता पिता और उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं एक परिवार बनाते हैं फैमिली बनाते हैं दे लव ईच अदर एंड केयर फॉर ईच अदर वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर मीन्स ख्याल भी रखते हैं केयर मीन्स क्या होता है ख्याल रखना ख्याल रखना। so, जो फैमिली हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं साथ ही साथ एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं जैसे आपकी मदर आपका ख्याल रखती होंगी आपके फादर आपसे प्यार करते होंगे राइट स्टूडेंट और आप भी अपने मा, माता पिता से बहुत प्यार करते होंगे दे ऑल्सो नीड वन अनादर इन टाइम्स ऑफ नीड उन्हें एक दूसरों का साथ चाहिए होता है जब भी कोई परेशानी होती है या जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है नीड मीन्स होता है जरूरत ओके स्टूडेंट्स सो नीड मीनस क्या होता है जरूरत चिल्ड्रन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली सो जो बच्चे हैं वो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने माता पिता से और अपने फैमिली के और जो मेंबर्स हैं और जो सदस्य हैं उनसे चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर जहां पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ कि कितनी तरह की फैमिलीज़ होती हैं कितने तरीके के परिवार होते हैं फैमिलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सो परिवार अलग अलग तरीके के हो सकते हैं अ फैमिली विच वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन चिल्ड्रन कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली ऐसा so, परिवार जिसमें सिर्फ एक ही सेट हो एक ही पेयर हो पेरेंट्स का और उनके बच्चों का सो so, उस तरीके के परिवार को स्मॉल फैमिली छोटी फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं दिस इज अ पिक्चर ऑफ धीरज खोसलास फैमिली धीरज लिव्स विद हिज मदर फादर एंड सिस्टर खोसलास आर आर न्यूक्लियर फैमिली सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो साइड में पिक्चर दी गई है तस्वीर दी गई है ये है धीरज खोसला की फैमिली धीरज खोसला की जो फैमिली है उसमें धीरज अपने माता के साथ अपने पिता के साथ तथा अपनी बहन के साथ रहता है सो so उसकी फैमिली कैसे हुई उसकी फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली हुई ओके okay, स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं दिस इज मोनिकास फैमिली मोनिका लिव्स विद हर मदर फादर ब्रदर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर इन वन हाउस So, अब आप देख सकते हैं जो ये नेक्स्ट पिक्चर है ये मोनिका के परिवार की है और मोनिका अपनी फैमिली में अपने मदर अपनी फादर अपने ब्रदर अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड के साथ रहती है मीन्स उसकी फैमिली में उसके दादा दादी भी हैं सच अ फैमिली कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली और इस तरीके की फैमिली को क्या कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली बड़ी फैमिली बिग फैमिली जहां पर दादा दादी भी हो मतलब चिल्ड्रन से ज्यादा पेरेंट्स होते हैं ज्यादा बच्चे होते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनिका के मदर फादर हैं और मदर फादर के भी मदर फादर हैं, जो मोनिका के दादा दादी लगे राइट स्टूडेंट सो यहाँ पर टू पेरेंट्स हुए ना और जो मोनिका है उसके मदर फादर की चिल्ड्रन मोनिका हुई और उसके मदर फादर किसके चिल्ड्रन हुए फादर और ग्रैंड मदर के सो so, यहाँ पर वन सेट ऑफ वन सेट ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन से ज्यादा सेट है इसलिए ये फैमिली कैसी फैमिली हुई जॉइंट फैमिली हुई आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हॉर्ट्स पर फॉलोइंग आर टू सिचुएशंस वन ऑफ दिस शोज अ रॉन्ग बिहेवियर अमंग फैमिली मेंबर्स विच वन इज इट एंड वाई सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हॉट्स में क्या आपको एक पिक्चर दी गई है उसमें टू एक्टिविटीज शो हो रही हैं दो चीजें हमें दिखाई गई हैं दो सिचुएशन हमें दी गई हैं सो हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन में गलत व्यवहार किया जा रहा है फैमिली मेंबर से रॉन्ग बिहेवियर शो हो रहा है किस में हो रहा है कौन से पिक्चर में हो रहा है और क्यों हो रहा है कैसे लगा आपको कि वो रॉन्ग बिहेवियर है वो भी आपको बताना है राइट फ्यू लाइंस ऑन द फैमिली मेंबर यू एडमायर मोस्ट और सेकेंड हॉट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आपको उसके बारे में चार पांच लाइंस लिखनी है जिसको आप अपनी फैमिली मेंबर्स में बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं जिसके आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है सो so, जो आपको अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स आपको उसके बारे में थ्री टू तो फोर लाइन्स लिख लानी है फ्रॉम योर होमवर्क ओके स्टूडेंट्स सो आई होप आप सभी को ये हॉट्स क्वेश्चन क्लियर होंगे इन सम फैमिलीजन और फादर सो कुछ परिवारों में जो बच्चे हैं वो अपने किसी एक पेरेंट के साथ रहते हैं अब वो उनकी माता भी हो सकती है या फिर उनके पिता भी हो सकते हैं सो so, उस फैमिली में वो सिर्फ वन पेरेंट के साथ रहते हैं और इस तरीके की फैमिली को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स सच अ फैमिली सिंगल पेरेंट फैमिली सो ऐसी फैमिली को कहा जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली जहां पर सिर्फ एक पेरेंट हो या तो मदर ही हो या फादर ही हो सो so, जब एक पेरेंट होते हैं तो फैमिली हो जाती है अ सिंगल पेरेंट फैमिली दिस इज द पिक्चर ऑफ यशी एंड हर मदर देयर इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली सो so, आप देख सकते हैं पिक्चर स्टूडेंट्स ये है यशी की फैमिली की पिक्चर जिसमें यशी है और उसकी मदर है सो so, इस फैमिली को हम कहेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली सो so, स्टूडेंट्स हमने टोटल थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ पढ़ा जिसमें सबसे फर्स्ट फैम टाइप ऑफ फैमिली था न्यूक्लियर फैमिली जिसमें हमने धीरज खोसला की फैमिली को पढ़ा था धीरज कोसला की फैमिली में कौन कौन था स्टूडेंट्स उसकी सिस्टर थी धीरज था मदर थे और फादर थे तो फोर मेंबर्स की फैमिली थी जिसे हमने कहा था न्यूक्लियर फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली राइट right, स्टूडेंट्स उसके बाद हमने नेक्स्ट मोनिका के फैमिली को पढ़ा था सो so, मोनिका के फैमिली में हमने देखा कि मोनिका किस, किस के साथ रहती है मोनिका रहती है अपनी मदर फादर ब्रदर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर के साथ सो so, मोनिका के फैमिली में वन सेट से ज्यादा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस हैं इसलिए मोनिका की फैमिली होती है जॉइंट फैमिली राइट स्टूडेंट्स जॉइंट फैमिली या फिर बिग फैमिली उसके बाद लास्ट में अब हमने यशी की फैमिली के बारे में पढ़ा सो so, यशी की फैमिली में सिर्फ यशी है और उसकी मदर है इट मीन्स उसकी फैमिली हुई सिंगल पेरेंट फैमिली ओके स्टूडेंट्स सो ये हमारी थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज हमने पढ़ चुकी हैं और अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज वी डू एवरीथिंग टुगेदर इन आवर फैमिली कि हम हमारे परिवार में सभी चीज एक साथ करते हैं वी डू एवरीथिंग हर कुछ सब कुछ क्या सब कुछ एक साथ करते हैं टुगेदर मींस एक साथ टूगेदर मींस स्टूडेंट्स एक साथ में हम अपना सुख और दुख दोनों ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बांटते हैं स्टूडेंट्स सो जॉय मीन्स होता है सुख और सोरो मींस होता है दुख जॉय मीन्स आप खुशी भी मान सकते हैं स्टूडेंट्स joy means khushi and sorrow means dukh okay students sukh और दुख सो so, हमारी जो भी होते हैं जो भी होते हैं दोनों ही हम अपने फैमिली हैं वी हेल्प ईच अदर विद हाउस होल्ड चोर्स हम एक दूसरे को घर के कामों में मदद करते हैं एंड ऑल्सो है और साथ में मजे भी करते हैं फन मीन होता है मजा राइट स्टूडेंट्स फन मीन्स मज़ा सो हम घर के कामों में भी मदद करते हैं सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के और साथ ही साथ मज़े भी करते हैं आर एल्डर्स लुक आफ्टर हस एंड अस टू ग्रो वेल हमारे जो हमारे बड़े हैं वो हमारी देखभाल करते हैं साथ ही साथ हमें क्या करते हैं हमें अच्छे से मदद करते हैं बढ़ने में ग्रो करने में हमें अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं अच्छी बातें सिखाते हैं वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए आदर सम्मान करना चाहिए सो रिस्पेक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स आदर

वी शुड हेल्प आर पेरेंट्स बाई क्लीनिंग आर रूम एंड कीपिंग आर टॉइज इन प्लेस और अपने माता पिता की उनके कामों में मदद करनी चाहिए कैसे अपने रूम को साफ रखकर और अपने खिलौनों को जगह पर रखकर अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स डू यू नो पर सो डू यू नो में है रिलेटिव फ्रॉम फादर साइड आर नोन एज पैटर्नल एंड दोस्त फ्रॉम मदर साइड आर नोन एज मैटरनल लेटिव so, जो रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार पापा की तरफ से आते हैं उन्हें पैटर्नल रिलेटिव्स कहेंगे और जो रिश्तेदार मदर की तरफ से आते हैं उन्हें मैटरनल मैटरनल रिलेटिव्स कहेंगे ओके स्टूडेंट्स चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है वी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली कि हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं फैमिली uh, में इन फैमिली एवरी वन इज रिलेटेड टू वन एंड सो परिवार में हर कोई एक दूसरे से रिश्ता रखता है हर कोई रिलेट करता है एक दूसरे से अम्बर ऑफ आर फैमिली स्पेशली वन हु डज नॉट लिव विद इज कॉल्ड रिलेटिव सो जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं वो लोग जो हमारे परिवार के सदस्य तो हैं पर हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं सो so, उन मेंबर्स को हम कहते हैं रिलेटिव्स रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार जैसे कि बुआ जी फूफा जी और चाचा जी चाची जी मामा जी मामी जी सो so, ये क्या है ये सब रिलेटिव्स है इनसे हमारे रिश्ते तो हैं ये हमारे फैमिली का हिस्सा तो है लेकिन ये हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं इसलिए क्या हुए रिलेटिव हुए अस रीड अबाउट डिफरेंट रिलेशन फैमिली अब हम इसी तरीके के कुछ रिलेशन कुछ रिश्तों के बारे में फैमिली के पढ़ेंगे फर्स्ट है आर मदर इज आर फादर्स वाइफ आर फादर्स इज आर मदरस हजब सो हमारे जो मदर है वो हमारे पिता की बीवी है वाइफ है जबकि जो उन हमारे जो पिता है वो हमारी मदर के पति हैं हजबेंड है द फादर ऑफ आर मदर और अ फादर इज

आर सिस्टर और ब्रदर इज आर सिबलिंग सो जो हमारा भाई या बहन है वो हमारे क्या लगे, लगे. So, मदर फादर के भाई हैं वो हमारे क्या लगे अंकल आर अंकल्स वाइफ इज अवर आंट और जो अंकल की वाइफ है अंकल की बीवी है वो हमारी आंट लगी दिस्टर और ऑफ आर फादर और मदर इज आर टू और ऐसे ही हमारे फादर और मदर की अगर कोई बहन भी है तो वो भी हमारी आंट लगी द चिल्ड्रन ऑफ आर आंट्स आर अवर कजन और जो हमारे अंकल आंटी के बच्चे हैं वो हमारे क्या लगे कजन लगे अगर वो हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं सो वो हमारे सिबलिंग्स हुए स्टूडेंट्स लेकिन अगर वो हमारे अंकल एंड आंस के बच्चे हैं तो वो हमारे क्या लगे कजें लगे और इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था सो so, स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा सीखा है कि वॉट इज फैमिली परिवार क्या होता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ फैमिली की परिवार के कितने हिस्से होते हैं या कितनी तरीके की फैमिलीज मिलती हैं उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वी डू एवरी थिंग टूगैदर इन अ फैमिली की परिवार में हम हर चीज एक साथ करते हैं नेक्स्ट वी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन फैमिली कि हम फैमिली में एक दूसरे से रिश्तों में बंधे होते हैं हर किसी का कोई ना कोई रिश्ता होता है और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है आप सभी होमवर्क से इस चैप्टर को री रे रीड करके आएंगे स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर